मैं अरशान को और रेहान को दो दो बकरियां दूंगा। माशाल्लाह। हाँ तुम पियेंगे? नहीं रे बाबा। ये कैसा करी दे गए आप लोग ने? लाओ इधर, चलो चलो। वही ने पिए। माई को एक घूंटा और। माही जी इन सबको उठाओ, कब से सोए ये लोग? हाँ क्या गाना लगा रहे? गाना लगा के उठाओगे क्या? मैं सवेरे 4 बजे आके 9:30 बजे उठ गया। ये कोई बात है कि ये लोग रात को सोए हुए 10-11 बजे, ज्यादा से ज्यादा 12 बजे, और अभी तक नहीं उठे? Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. माही जी ये लोग उठेंगे या नहीं उठेंगे? गाना लगा के उठाओगे? उठाओ। और गोल्ड रूम में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? नहीं आ रहे। सही है भाई, अभी क्यों आएंगे ये गोल्ड रूम में? इनके पास इतने सारे लोग जो है, ये गोल्ड रूम में थोड़ी आएंगे अपना वक्त जाया करने के लिए। बरोबर ना माही जी? हाँ बोल। सुबह हो गई, रैम्बो टाइसन बाहर, माशाल्लाह रात भर अजवा के साथ पेट भर के पिए हुए हैं ये लोगों ने दूध। हाँ अभी तो सवेरे से यही पे मस्त सवेरे की धूप ले रहे हैं। थोड़ी देर में धूप शिफ्ट हो जाएगी तो दोपहर में धूप भी नहीं रहेगी, जो कड़क धूप आती है वो नहीं लगेगी इनको। ये लोग आराम से आराम करते रहेंगे। आज नहीं चिल्ला रहे हो तुम? और आज तो तुम हमें देख के उठ भी गए, नहीं तो पिछले 4-5 दिनों से तुम हमें देख के भी नहीं उठ रहे थे। अजवा जी कैसा लगा आपको आपके बच्चों के साथ रहकर? पूरे 1 महीने बाद कल आपने आपको आपके बच्चे दिए। कमरा तो माशाल्लाह जब देखो जब खाती रहती है माशाल्लाह। सही है, बरका को बाहर लेंगे, उसका दूध निकाल लेंगे। और गोट रूम में आने के साथ जो हम लोग काम करते वो भी कर लेंगे। बच्चे तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं, सारे के सारे मस्ती कर रहे हैं। वो वहाँ मस्ती कर रहे हैं और ये नोयान यहाँ पे पैरों के पास मस्ती कर रहा है। कल वाले ब्लॉग का मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक भाई बोल रहे थे मुंडी तो दिखा दो नोयान की। अरे भाई नोयान के बच्चे होंगे ना, इंशाल्लाह वो दिखाऊंगा। बस दुआ करो कि सही से सब कुछ हो जाए। चलो भाई ये लोग तो बिजी हो गए सारे के सारे। और यहाँ पर अरशान भी आ गया अंदर। अरशान क्या सीखा तुमने आज? इंजेक्शन, उनको ज्यादा अंदर तक इंजेक्शन डालना चाहिए या पार्ट में मारना चाहिए गोश्त के साइड पे। सही है। जब अरशान अंदर आया तो मैं तैयारी कर रहा था सारे जानवरों को बरसिंग रखने का, और उसी दौरान मैं इंजेक्शन दे रहा था एक जानवरों को हमारे। तो अरशान बोला कि मामू मुझे भी सिखाओ। बाकायदा मैंने उसके हाथ में इंजेक्शन दी, मेरा देखो ये पकड़ो, पहले इसको देखते रहो आराम से 1-2 मिनट और मेरे हाथ में दे दो। और फिर मैंने उसको सारी प्रोसेस बताया कैसी करनी क्या करनी। देखो ये इतना सा है अभी तो कर नहीं पाएगा, मगर इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अरशान बोलता है कि हमें भी बकरियां पालनी है टेरिस पे। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद ही दिला दूंगा 2 बकरियां, बोलूंगा पालो, मैं दिला दूंगा 2 बकरी, तो पाल लेना। सही है ना? हाँ ठीक है। बच्चे मुझे दे देना उसके। आ जाओ यहाँ से। अरे शाबाश, सबको बकरी पालने का शौक लग गया। क्या बात है, इन्फ्लुएंस हो रहेगा लोग हमसे, वेरी गुड। अरशान ने तो ये बात बोल दी थी मुझे कल ही शाम में, मगर ये बात मुझे 15 दिन पहले रेहान भी बोल रहा था, मेरा जो बड़ा वाला भांजा है वो, शायद उसके भी टेरिस पे 5 बकरियां हो जाए। और ये सारे के सारे लोग आने वाले हैं समर वैकेशन होंगे उसमें मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए। मैं क्या ट्रेनिंग दूंगा, जो मैं करता हूँ वही दिखा दूंगा। ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं होती है, जो इंसान करता है वही देख के सीखना पड़ता। क्यों भाई अरशान, सीखोगे ना तुम सब कुछ? सीखेंगे सीखेंगे। बकरियां दिलाऊंगा मैं तुमको, रखना, तुम बच्चे पैदा होने के बाद बच्चे मुझे दे देना। ओके ओके। मौसम तो होशियार है, बकरे पालो बच्चे मेरे को दे दो। दिस इज बिजनेस। बाद में जो है यही बच्चे हमारा, यही रेहान अरशान हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, हम इनको हमारे बिजनेस में लेंगे। ये ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं हम, ट्रेनिंग के लिए पैसे देने पड़ते हैं ना, पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें सीखने के लिए। जो तुमको जानवर खरीदने की जरूरत नहीं है, मोर्टेलिटी होगी तो मेरी होगी, अगर फायदा होगा तो भी मेरा होगा, नुकसान होगा तो भी मेरा होगा। मैं अरशान को और रेहान को 2-2 बकरियां दूंगा। माशाल्लाह पक्का। पहले तुम ट्रेनिंग पार करोगे यहाँ पे, उसके बाद समझे। दोपहर के 2 बज के जा रहे हैं और घर भी पूरा शांत हो गया, सारे घर वाले चले गए जहाँ पे जाना था उनको। आज वो लोग तो चले गए हैं जहाँ पे उन्हें जाना है, मगर हम अभी जाएंगे गोट रूम में। काफी देर हो गया गोट रूम में गए नहीं हम लोग, सवेरे जो गए थे उसके बाद गए नहीं है। वर्षा है ना, सवेरे से ही आवाज लगा रही है, मगर मैं एक्शन वाली दुनिया के काम में था इसके लिए जा नहीं पाया। अब जाके देख लेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो रैम्बो टाइसन भी चिल्ला नहीं रहे क्योंकि रात भर साथ में थे ना। ओ माशाल्लाह क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? आ गया मैं अभी, रात भर साथ में थे इसका, रात भर दूध पी रहे थे, भूख तो लगी होगी, छोड़ देंगे उनको अभी। मैंने बोलने के बाद चिल्लाना शुरू कर दिया। अजवा भी चिल्ला रही है और वो दोनों भी। गोट रूम के अंदर का तो काम हम लोगों ने सब कुछ कर दिया, अजवा को हमने बाहर लेके आ गए। और यहाँ पे रैम्बो टाइसन देखो कैसा कर रहे हैं बाहर आने के लिए। रैम्बो और टाइसन को भी बाहर छोड़ देंगे अभी, ताकि वो लोग अजवा के साथ रहे और अजवा का दूध पी ले, और घूमते रहेगी अजवा यहीं पर तो सही रहेगा। क्या बोलते हो, ले ले इनको बाहर अभी एक बार। हो गया इसका पीकर, अभी ले लेते इसको बाहर। देखो ये भी कैसा वेट कर रही है इनका, कम से कम अंदर सामने तो थे इनके। चलो आ जाओ भाई आ जाओ। ऐ शाबाश माशाल्लाह माशाल्लाह।
अभी घूमते रहो तुम आराम से। अभी थोड़ी देर में माही आमला भी आ जाएंगे और बाकी सारे बच्चे भी आ जाएंगे, तो खेलते रहेंगे उनके साथ, एकदम मस्ती करेंगे यहाँ पर ये लोग। माशाल्लाह कितने सुकून से दूध पिला रही है, माशाल्लाह अल्लाह नजर से बचाए। बस दुआ किया करो, जो भी मैं जानवर दिखा था उनके लिए दुआ किया करो बस। माही जी तुमसे सीट ऊपर नहीं हो रही, आमला जी तुमसे भी नहीं हो रही, ये देखो ये सो गई माही जी। अरे वाह 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 माही जी वाह, कल हमारी कार फिर से नहीं धुली तो आज धुल रही है। सीट ऊपर करने को बोले तो इनको सीट ऊपर नहीं कर रहे। क्या माही जी जब से तुम घर में नहीं आए, मैं तो अपने एक्शन वाली दुनिया के काम ही कर रहा था, माही जी यहाँ पे देखो गाड़ी धुलवा रहे थे। हटो मैं ऊपर कर देता हूँ सीट। अरे हटो माही जी, सुनते क्यों नहीं तुम, देखो गाड़ी खराब कर रहे हो तुम, और बाहर निकलो अभी। ये हो गई सीट ऊपर, अभी चलो वहां पर। हाँ फिर जा रहे, तुम्हारे गंदे होंगे तुम्हारे कपड़े, तुम चलो इधर, तुम इधर चलो, तुम सुनते क्यों? बरका जी चलो बाहर, हमें तुम्हारा दूध निकालना है। दरअसल दूध निकालना नहीं है, रैम्बो और टाइसन को पिलाने की कोशिश करनी है। माही जी सुनो, तुम लोग है ना बरका को पकड़ना, मैं दूध पिलाऊंगा बच्चों को, ठीक है? लो बरका को लो बाहर, पकड़ लो आराम से, आओ नोयान देगा तुमको, घूर रहा है। नहीं आ रही है वो, तुमसे डर रही है, पीछे आ गई। देखो मैं करता हूँ, मैं लेके आता हूँ बाहर, तुम लोग जाओ। देखो इसको माही तो सुनती नहीं है। नहीं नोयान उठ गया, जल्दी लो, देखो जल्दी लो, नोयान उठ गया माही। हटो हटो हटो, ताकत नहीं है तो हटो, मैं लेता हूँ। हटो 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 हटो, इसके लिए बोलते खाओ। चलो वर्का जी, नोयान माही जी, नोयान बीच में खड़ा है अभी, अभी कैसे जाओगे तुम बाहर? कैसे जाओगे बाहर भाई जी? अम्मा है ना, अब्बा है ना, चलो यहाँ से चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो, वहां से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, तुम जल्दी भागो। चलो भाई पकड़ो अम्मा जी, चलो रुको 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 रुको, चलो अभी कोशिश करते हैं पिलाने, छोड़ना मत, पकड़ कर रख अर्शान। बरका ने तो बिल्कुल भी नहीं सताई, वो तो पिला रही थी बच्चों को, मगर रैम्बो और टाइसन ने तो पिया ही नहीं। आमना जी कितनी कोशिश की हम लोगों ने, बहुत बहुत ज्यादा, आखिरकार हम लोगों ने दूध निकाल ही लिए। अर्शान पिएगा? हाँ हाँ आ जाओ फिर, पहले बरका को अंदर डालेंगे, रुक जाओ, तुम डालो, मैं डालता हूँ। हाँ कच्चा पीने का ताकत आती है, पियो। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ 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 मुँह लगा के पियो। हाँ तुम पियो पहले, हम भी पियेंगे। क्या बात है भाई, कैसा लगा टेस्ट? अच्छा है। दो माही जी को, तो माही पियेंगे। माही जी बिस्मिल्ला, शाबाश। कहाँ जा रहे उधर, कहाँ जा रहे, किसको दे रहे? हाँ तुम पियेंगे? नहीं रे बाबा। चलो पियो, चलो एक घुट पी लो। हाँ बस ज्यादा मत पियो, बस करो, उन्हें गिरा रहे तुम तो। ये कैसा कर दे गए आप लोग, चलो चलो माही ने पिए, माही को एक घुट और डबल से, बहुत मेहनत, ताजा ताजा दूध, बहुत मेहनत करती, सही बोले। इतने भी पिया अर्शा नहीं पिया, सबको डबल डबल। आजा चल, इसको इसको पिलाओ, इसको पिलाओ, सारा आजा चल, स्ट्रॉन्ग बनते हैं बकरी के दूध से। खत्म, चल आजा। भाग गया था आमला जी, तुमने दूध पिए के खुद के पूरे मुंह को पिला दिए। पूरे मुंह पे गिराए तुमने। टोपी को पिलाओ, टोपी को पिलाओ, बकरी का दूध पिलाओ, पिलाओ 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 पिलाओ। ये आवाज भी आ गया, सब लोगों को आज एक एक घुट मिल गया। क्या बात है, हमको दो घुट मिला, तुमको दो घुट मिला, तुमको भी। आरजू दीदी का मेरे को, आरजू दीदी का मेरे, आरजू दीदी को भाग गए। आरजू दीदी अमना जी बस करो, लास्ट पिला दो सिर्फ, इनको पिला, पिलाओ टोपी कुछ, पिलाओ पिलाओ टोपी कुछ, दाता आ जाएंगे बराबर। खत्म। तेरे बाबूजी को बोल के ला सकते ना एक दो बकरे। हां मैं बोल दिया फुफू। ये तो दूध खत्म कर दिए ये लोगों ने, सब बच्चे लोग ने पी लिए। जाओ ना, हो गया हमारा गोट रूम साफ, गोट रूम साफ हो गया, मगर फीड गिरना बाकी है अभी तलक। और गोट रूम साफ करने में हेल्प मुझे किया अर्शान। अर्शान कैसा लगा साफ करके? अच्छा लगा, अच्छा लगा।
और मजा आएगा तुमको जब तुम कंटिन्यू रहोगे मेरे साथ। तो नया नया सब अच्छा लगता है, बाद में जो है ना दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। जो भी जिसको करना है ग्राउंड लेवल से करो और हैबिट लगाओ, मैं तो बोलता हूँ पहले से, तभी तो जाके करोगे तुम। हाँ। नहीं तो चार दिन करोगे और आठ दिन गायब, घूमने में लग जाओ। तो काफी लेट हो गया फीट डालने के लिए, 6:10 हो गए। एक्शन वाली दुनिया से फोन आया था मुझे, तो मैं वहाँ पे बिजी हो गया था, तो उधर बिजी हो गया, तो अब मुझे वक्त मिला और मैंने आके फीड डाल दिया। मैंने जब गोट रूम साफ किया उसी के बाद मुझे एक्शन वाली दुनिया से कॉल आ गया था। चलो फिलहाल तो जानवर खा रहे हैं, अभी सारे के सारे खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेट हुआ मगर क्या हुआ, जानवर फीड तो खा रहे हैं हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह। और सेठ जी यहाँ पे चना खा रहे हैं। माही जी पढ़ाई हुई क्या? नहीं अभी तक। नहीं, एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ही है सिर्फ। वेरी गुड। सारे बच्चे बाहर खेल रहे और माही अकेली पढ़ रही है। जस्ट अभी आमना ने उनकी स्टडीज खत्म की और बाहर चले गए खेलने के लिए, बस माही बची है। माही का भी एक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाए तो माही भी चले जाएंगे। क्यों माही जी फैन लगा रहे हो? चलो आ जाओ, उठ गए तो व्लॉग एंड कर देंगे, आ जाओ। मैं भी चला जाऊंगा अभी एक्शन वाली दुनिया में, वाइंड अप करके वाइंड अप के लिए चले जाते हैं और फिर एक्शन वाली दुनिया में। तो चलो भाई जी ये ब्लॉग को एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन अस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। गुड बाय, जाओ जल्दी खत्म कर दो, फिर खेलने जाओ। सारे बच्चे लोग आए हुए तो उसमें ही सारा दिन थे, इसके लिए होमवर्क करने अब बैठे। अब तो समर वैकेशन में तो यहाँ पे तो आतंक होगा बच्चों का।